गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह की चाय के साथ ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं। तो नाश्ते में आज बना हुआ है चाउमीन नूडल्स। तो पायल ये बनाकर ट्यूशन पढ़ाने चली गई है और हम लोग नाश्ता करेंगे। तो देखने में तो बहुत ही लजीज लग रहा है, तो चलते हैं मुँह धोकर नाश्ता करते हैं। तो यहाँ पर आज कांच की चूड़ी पहन लेते हैं। तो नाश्ता करने के बाद सीधा अपना चूड़ी चेंज कर रहे हैं। तो ये रखे थे निकाल करके कल पहनेंगे, तो कल मैं भूल गई, तो आज सुबह सुबह याद पड़ा तो मैं सोची फटाफट से पहन ही लेती हूँ, फिर आगे का जो काम है वो करूँगी। तो इधर हम लोगों ने नाश्ता किया था, वही नाश्ते का बर्तन जमा हो गया था, तो उसी को धो लेते हैं और धोने के बाद इसे अरेंज कर लेंगे, फिर चलेंगे छत पर। छत पर भी कई सारे काम हैं, तो चलते हैं छत पर, आपको दिखाते हैं छत पर क्या करना है, साथ ही साथ अपने बागीचे का लुक भी हम आपको देंगे। यहाँ पर कई दिन हो गए हैं तो हमारे गुलाब भी मुरझाने लगे हैं। तो नए नए यहाँ पर अभी कलियाँ आई हैं, तो नए नए फिर से फ्लावर्स आएंगे। और यहाँ पर देखिए चूल्हा हमारा कल से ही यहाँ पर इस तरीके से बना कर मैंने छोड़ रखा है, तो इसी को सुबह सुबह लीप लेते हैं। तो सबसे पहले राख निकालेंगे, थोड़ा सा पानी डालकर निकाल रहे हैं जिससे कि क्या होगा ये जो उड़े नहीं। और यहाँ पर एक आलू हमने पकने के लिए रखा था इसमें, वो अभी कच्चा ही है तो उसको भी फेंक देते हैं, किसी काम का नहीं है। तो चूल्हा को पोत लेंगे जिससे कि ये देखने में भी सुंदर लगने लगे और अगली बार बनाने में भी हमें अच्छा लगे। Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. Play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you. तो चूल्हा को यहाँ पर मैंने पोत दिया है, और परसों यहाँ पर चिकन बना था तो उसके बाद से मैंने नहीं पोता था, तो आज मैंने पोत दिया है। और इसके अगल बगल मैंने पानी से धो दिया है, अब ये सुंदर दिखने लगेगा। और यहाँ पर देखिए मैंने मूली के यहाँ पर कुछ बीज डाले थे, उसका यहाँ पर छोटा छोटा जो है सीडलिंग्स यहाँ पर आ गया है, तो इसे हम अलग अलग करेंगे। तो थोड़ी देर बाद करते हैं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक नए ब्लॉग के साथ। सारा उठा लो, सारा उठा। और यहाँ पर बच्चों के साथ थोड़ा सा फन करते हैं। तो क्या है ना, मैं क्या की थी, सरसों का खली जो मैं 4-5 दिन से भिगो कर रखी थी, और वो सड़ने के बाद क्या होता है, अजीब सा एकदम खराब सा गंध आता है। तो डाल दिया है और अजीब सा गंदा सा गंध आ रहा है। तो सरसों का खली बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर का काम करता है, तो मैंने सुबह सुबह डाल दिया पौधों में, तो वही मैं इसे जबरन वहाँ पर भेज रही हूँ ताकि उसको गंध का पता चले और उसका रिएक्शन हमें देखना था। तो इस वजह से मैं उसे बोल रही हूँ कि वहाँ से जो फूल गिरा हुआ है वो उठा कर लाए, चुन कर लाए, तो इसको गंध का पता चले। तो बेसिकली मुझे इसका रिएक्शन देखना था और बहुत ही मुझे हंसी आई। अच्छा, तो यही मैं वो दिख नहीं रहा है ना, दो उधर से
बस प्याज कली कट कर रहे हैं और इसका जो है पकौड़ा बनेगा दाल चावल के साथ। तो कई दिनों से पड़ा हुआ था तो मैं सोची इसे काट ही देती हूँ और दाल चावल के साथ ये ठीक रहेगा। और ये देखिए गुजर लाओ, और ये नए आलू है, देखिए अभी के नए आलू कितने ख़राब आ रहे हैं। और इसमें देखिए कैसे फंगस लगा हुआ है, कैसे ये मतलब क्या बोले ये ख़राब हो गया है। देखिए सारे इतने सारे आलू वेस्ट हो गए लग रहे हैं। तो देखते हैं जहाँ से ख़राब हुआ है उसको कट करके हटा देंगे और जहाँ से अच्छा है उसको यहाँ पर कट करके ले लेते हैं। सारे फंगस लगे हुए थे तो अभी मैं धो कर ला रही हूँ, नहीं तो इसका पहले का आप देखते तो आप इसको खाना भी पसंद नहीं करते। तो चलिए इसको धो कर काटेंगे। और यहाँ पर प्याज कली कट कर रहे हैं, तो प्याज कली नीचे मैंने हरे पत्तेदार जो है उसके मैंने कटिंग कर लिए हैं, बस इसको ही काटना है। तो दाल चावल के साथ प्याज कली और आलू डालकर इसके जो है पकौड़े बनेंगे। तो फटाफट से कटिंग कर लेते हैं और इसके पकौड़े जो है ना बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो इस तरीके से कटिंग कर लेते हैं फटाफट। तो पायल नीचे दाल चावल चढ़ा दिए, तो नीचे दाल चावल बन रहा है तब तक मैं यहाँ पर पकौड़े की तैयारी कर दे रही हूँ। तो ये चाय के साथ भी अच्छा लगता है वैसे, लेकिन हम लोग चाय के साथ नहीं खाते हैं चाय के टाइम में, तो बिस्कुट वगैरह खा कर काम चला लेते हैं। ये तो थोड़ा सा ठीक है, सब सड़े गले हैं, नया आलू क्या इस तरीके का होता है। तो ये नया आलू है और लाते लाते एक दिन में कितना ये सड़ गया है। और वही वाला फन मैं पायल के साथ भी करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने दो आलू फेंक दिया है और मैं उसे बोल रही हूँ लाने के लिए, तो यहाँ पर उसे समझ में आ गया है। रिएक्शन बताओ, तो इतने सारे आलू ख़राब हो गए थे और जो जो पार्ट ख़राब था उसे मैंने अलग कर दिया, काट करके हटा दिया है। और एक बार धो करके इस पानी को हम पौधों में डाल देते हैं। तो इस आलू को मैं उबाल करके रख देती हूँ जिससे कि इसके पराठे बन जाएंगे। इसके साथ ही दोपहर का लंच का कोई भी ब्लॉग मैं शूट नहीं कर पाई। तो दोपहर के खाने में दाल चावल और प्याज कली का जो पकौड़ा था वही बना था और आलू का चोखा। तो खाना खाए, आराम किए और फिर शाम को यहाँ पर सब्ज़ी लेकर बैठ गए हैं कट करने के लिए। तो सब्ज़ी में आज सुबह जैसे सूखा कुछ बना था, जैसे कि पकौड़े बने थे, तो तरीदार कुछ सब्ज़ी होना चाहिए रोटी के साथ खाने के लिए, तो वही यहाँ पर मैं फूल गोभी को कट कर रही हूँ। तो फूल गोभी में अक्सर कीड़े होते हैं तो यहाँ पर बस मैं ऐसे ही कट करके रख देती हूँ, बच्चे देख लेंगे कीड़े और फिर इसका सब्ज़ी बनेगा। और यहाँ पर सेम फली है, इसे भी कट करके रख दे रहे हैं, ये कल बनेगा, तो बच्चों को काटना नहीं आता है। बन गया बाबू। तो हमारा ये LED ट्यूबलाइट जो था वो कई दिनों से ख़राब पड़ा था, तो आखिरकार इसको मैंने बनवाया। और बनवाना तो मुझे ही है, कोई तो बनवाएगा नहीं, और इसके बिना तो काम नहीं चल रहा था। वैसे ही मुझे कम दिखाई दे रही है और नहीं लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, तो इसे लगा लेते हैं। निखिल लगा दो इसे, क्या खराबी हुआ था? डायोड खड़ी। कितना खर्चा हुआ? 80। देखो स्विच ऑफ है ना। हाँ बहुत जरूरी था, नहीं लगाने से नहीं होता। देखो नया वाला टेप लगा देना, तो खुल गया तो फिर मुश्किल हो जाएगा। हो गया, फिट हुआ।
हाँ अब रोशनी आ रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। तो आज तन्नी बना रही है आलू गोभी की सब्जी रोटी के साथ खाने के लिए, ठीक है? अच्छा बनाना नहीं तो पीटेंगे। हम यहाँ से जा रहे हैं तो थोड़ा सा गोल्डन होने तक भूनो। थोड़ा सा फ्राई करके इसको निकाल लेना, ठीक है? फिर इसमें मसाले भून के इसको भून करके थोड़ा सा पानी डालना, प्याज डाल के निकाल लेंगे। इसको निकाल कर प्याज मसाला भूनना। मसाला कच्चा नहीं रहना चाहिए, इसी तरीके से भून जाए। फिर ये सब्जी टमाटर सब डाल कर भूनना। तो आज तन्नी सब्जी बना रही है पहली बार आलू गोभी की सब्जी। तो मैं यहाँ से जाती हूँ क्योंकि आंखों में छींटे आ रहे हैं, तो बीच बीच में गाइड कर रही हूँ कैसे बनाना है। वो तो कभी नहीं बनाई है तो उसे बताना पड़ रहा है। तो यहाँ निखिल की पढ़ाई हो रही है और तन्नी को यहाँ पर गाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर पायल आटा लगाकर चली गई है, आएगी तो रोटी बनाएगी। आज हमारा खाना बनने में थोड़ा सा लेट होगा तो लग रहा है वो डॉक्टर के पास गई है या फिर ट्यूशन पढ़ाने गई है। तो आएगी तो बनेगा जो भी। भून गया बाबू, अभी थोड़ा सा और भूनेगा। थोड़ा सा और भून के टमाटर डाल देना, टमाटर थोड़ा सॉफ्ट हो जाए फिर ये सब्जी डाल देना, ठीक है? डालो, निकाल लो इसमें। गोभी का चटनी बना रही है, कौन खाता है ऐसे? आज फिर से पायल की फूली फूली रोटी। आज का आटा ठीक है, अच्छी तरीके से फूल गया है। देखो कहीं से किनारे से भी फट रहा है, देखो नहीं फट रहा है। I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted. Pass ho gaye phulane mein. Phul kar dikha diya kya? Ab ye kya bana rahi ho? Parathe. तो इधर गर्मा गर्म रोटियां बन रही थी तो मैं भी बैठ गई खाना खाने, और बहुत ही मज़ेदार की सब्ज़ी बनी थी आलू गोभी की सब्ज़ी। और गर्मा गर्म खाने का मज़ा ही कुछ और होता है, और बच्चे भी उधर खाना खा रहे हैं। तो रात का डिनर हो रहा है, तो दोस्तों सभी कोई गर्मा गर्म खाना खा रहे हैं। रात का खाना हो रहा है हम लोग का, खाना पीना खाएंगे, बर्तन धोएंगे और फिर सोएंगे, आराम करेंगे। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं दोस्तों। फिर मिलते हैं आप सभी से एक नए अच्छे ब्लॉग के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना खूब सारा ध्यान रखें। Bye bye. Lay down and I play dead and I stay dead. Maybe you'll get sick of being the